गाइस हम जा रहे हैं आज विधाननगर। तो आज देखिए विधाननगर जाके आपको दिखाते हैं विधाननगर का सीन और विधाननगर स्टेशन। तो ये विधाननगर स्टेशन हम आ चुके हैं, ये है विधाननगर स्टेशन। और यहाँ का भीड़ देख सकते हैं, यहाँ का भीड़ कितना है और यहाँ पर ही कैसे जाता है वो भी आपको दिखाएंगे। तो ऑटो भी जाता है और बस भी जाता है। तो जो यहाँ का जो ऑटो है वो जो है बहुत ज़्यादा रेट लेता है, तो आप ऑटो में करके मत जाइए। ऑटो भी जाते हैं, ऑटो में जाइए, बस पे जाइएगा तो बस में आपको बहुत ही कम पैसे में पहुंचा देगा। और यहीं पे बस गाइस ये है विश्व बांग्ला गेट। और यहाँ का जो आप देख सकते हैं व्यू और यहाँ का जो डेकोरेशन किया गया है साइकिल का, ये देखिए साइकिल का जो डेकोरेशन किया कितना अच्छा है। और यहाँ पर जो पार्किंग एरिया है और यहाँ का जो सीढ़ी चढ़ने का जो जगह है, लिफ्ट और सीढ़ी दोनों है, आप दोनों चढ़ सकते हैं। भगनी हम लोग आए चार जोन। तो वीडियो में दिखाएंगे आपको। ये देख सकते हैं, ये है नजारा। ओ ये दिग्दिगर कैसा लग रहा? बहुत हैवी मस्त है ना, बहुत खूबसूरत। ओ भाई साहब नीचे देख, हैवी लगा था देखने में। तो यहाँ हम लोग चार जन आए थे, तो मेरा मन था आने के लिए यहाँ पड़ी, इसीलिए मैंने आया, देखा ये रेस्टोरेंट कैसा है नहीं है। अगर मैं दिन में आता तो इससे और एक्सप्लोर कर पाता, इसको और देख पाता। तो यहाँ पड़ी कुछ फोल्डिंग के फैंटा देखिए, मैं आपको सब दिखाऊंगा क्या क्या है क्या क्या नहीं है और कितना प्राइस है। एंट्री फीस जो है फ्री है, एंट्री फीस फ्री है। और यहाँ पर आपको आने से आपको डिनर या लंच करना पड़ेगा, मिनिमम आप 500 तो आपको मिनिमम खर्चा करना पड़ेगा वन पर्सन के लिए। ये देखिए विश्व बांग्ला गेट, ये पीछे पोस्टर लगा हुआ है। और ये जो लाइटिंग दिखा रहे थे ना, जो ये है ये लाइटिंग इसका। तो आपको देखिए बहुत सारा डेकोरेशन दिखा रहे हैं, ये है ऑसम लग रहा है, ऑसम डेकोरेशन। तो अभी हमने खाया नहीं है, अभी डिनर हुआ नहीं है, तो अभी फिलहाल आए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारा गेटअप देख सकते हैं, जो माता टेरेसा, रविंद्रनाथ टैगोर, बंगला शिल्पी, जो बंगला शिल्पी के जितना कलाकार हैं। और ये आपको चीज़ दिखा रहा हूँ एक बढ़िया चीज़, ये बड़ा सा जो लिखा हुआ ये है विश्व बांग्ला। देखिए ये जो लाइटिंग करके लिखा हुआ है यही है इसका, मतलब मेन बड़ा जो लाइट जो करता है शो बाहर से जो दिखता है, विश्व बांग्ला गेट जो लिखा रहता है यही है। और यहाँ का मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ, रास्ते का व्यू ये देखिए, ये है रास्ते का व्यू। पिछले ममता बनर्जी पोस्टर लगाना थे अच्छे लिए, अपने के पूरा व्यू देखाते पाले ताले भाले हो तो, किंतु हमें जो भेतरे चले
দিনের বেলা থাকলে ভালো ভিউ আসতো। ये जो विश्व बांग्ला जब ओपनिंग हुआ था तो आम पब्लिक के लिए बनाया गया था, जो आम पब्लिक आके यहाँ पे मतलब कुछ देख सके, बैठ सके, खा सके। तो इसका ओपनिंग हुआ था आपको 2 फरवरी 2019 को ओपनिंग हुआ था और आज है 2022, मतलब आज का डेट का है 2022। तो आम आदमी के लिए बनाया गया था, आप देख सकते भी हो। यहाँ का पहले था एंट्री फीस आपका 100 रुपया, अभी वो हट गया है, एंट्री फीस फ्री हो गया है। अभी एंट्री फीस नहीं है, अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है एंट्री, लेकिन अंदर में आने के बाद आपको डिनर करना पड़ेगा या डिनर लंच जो है आपको करना पड़ेगा। चलिए आपको व्यू दिखाते हैं। कोलकाता मेट्रो, ये मतलब डे में आए थे तो उसमें आपको ऊपर आ नहीं पाए थे, इसके लिए नाइट में शूट कर लिया। नाइट में आने के बाद से यहाँ पर ही पता चला कि 7 से लेकर 10 बजे तक ओपन रहता है और दिन में आपको मिलता है 10 बजे से लेकर 3 बजे तक ओपन रहता है। ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं आप। चलिए आपको व्यू दिखाता हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, फिर से वही लोकेशन पे आ गया मदर टेरेसा। देखिए तो ये घूर फिर के पूरा आपको एक्सप्लोर करा दिया। काश आपको दिखा पाता, ये दिन में आते तो काश आपको दिखा पाते यहाँ का जो आउटसाइड व्यू है, तो उसको मैं काश दिखा पाता। मैं कहना चाहता हूँ ये जो इसका हाइट है 180 फीट का है, 180 फीट का ये जो है पूरा टॉप तक जो है इसका 80 फीट है। और इसके अंदर में आपको बहुत तरह का चीज़ मिल जाएगा, जैसे आपको रेस्टोरेंट तो है, रेस्टोरेंट है, गैलरी है, उसके बाद से कुछ डेकोरेशन चीज़ें हैं यहाँ को, जो डिज़ाइन है, जो वॉल पे डिज़ाइन किया हुआ है, जो पिक्चर्स है, बहुत ही फेमस पिक्चर है। और इसका इसका पीछे कुछ कहानी है जो आप पीछे देख सकते हैं, जो ये जो है तो ये सब है। और इसका आउटसाइड भी आपको दिखाएंगे, पहले आपको इसका रेस्टोरेंट का जो है खाना पीना आपको दिखाएंगे कैसा है, नहीं है उसके बाद से। तो फ़िलहाल आपको पूरा व्यू जो है आपको दिखाए, घूम के दिखाए किधर क्या है नहीं है। तो चलिए आप डिनर का तरफ चलते हैं, खाने पीने के बाद बताते हैं टेस्ट कैसा है उसके बाद। ये यहाँ का बैठने का सीट और आगे जो है डिनर चल रहा है, तो डिनर भी है, क्या क्या नहीं है मेनू में आपको सब दिखाएंगे। ये है इधर का मेन्यू, पहले हमको दिखाओ, अच्छा लगेगा। स्टार्टर, स्टार्टर वेज स्टार्टर, नॉन वेज स्टार्टर, देखिए ये रास्ता है पूरा सन्नाटा हो गया दोस्तों। ये मेरा खाना आ चुका है और दिखाते हैं, ये चिकन कोसा मसाला, हक्का नूडल्स, नान, बटर नान, गार्लिक नान एंड बेबी कॉर्न बटर नान, ये गार्लिक नान, ये बटर नान सलाद। चलिए एक से स्टार्टिंग करते हैं, उसके बाद से आपको बताते हैं वीडियो। एक बाइट लेकर देखते हैं कैसा लगता है। हक्का नूडल्स, अभी आपको दिखाएंगे बेबी कॉर्न, बेबी कॉर्न, गार्लिक
गार्लिक नान विद चिकन मसाला। गाइस ये नूडल्स जो देख रहे हैं आप, ये मुझे टीस्पून दिया गया था, ये इसे टीस्पून से नहीं खा के हाथ से जो खाने में आपको मज़ा है ना, वो टीस्पून में मज़ा नहीं है। देखिए खा के देखिए, गाइस इतना खा लिए हैं कि खाना नहीं जा रहा। बस ये आ गया बिल, देख सकते हैं ये अमाउंट इसी में जाएगा। गाइस तो हम लोग जा रहे नीचे, हम फिलहाल एग्जिट हम लोग कर लिए, चलते घर का तरह। विधाननगर से आके हमको ऑटो मिला चलाने के लिए, देखिए काम मस्त चल रहा, क्या व्यू है, पीछे पैसेंजर है देखिए।